खाता खुलना है। क्या उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में ज्यादा है? महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड तोड़ हो गया, 10 लाख हिंदुओं ने मुसलमानों ने एक रैली करके निकाला। क्या हम 29 तारीख को ओवैसी साहब को शर्मिंदा होने देंगे? क्या हंडिया से लोग आप लोग पहुंचेंगे ओवैसी साहब अपने बच्चों के लिए? वो 10,000 करोड़ के मालिक है, उनके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अलहमदुल्ला उनके 45 पार्षद, 7 MLA, एक वो राजा है तेलंगाना के, उनको कौन की खिदमत के लिए निकले हैं? एक एक मुसलमानों की आवाज, जो आज हमारी आवाज सेकुलर पार्टियों ने वोट बैंक के नाम पे जो इस्तेमाल किया, आज उसको खत्म करने की बात आ रही है कि हमारे एजुकेशन, हमारे बच्चों को जो फर्जी, कांग्रेस ने कानून बनाया था कोटा कानून खत्म हो गया, लेकिन कोटा में जो लोग बंद है आज तक उनको रिहा नहीं किया। और 2012 में किसने 18% का वादा किया था कि हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे? समाजवादी पार्टी ने किया था। आपके ये 45 विधायकों ने जियाउल हक जो DSP मारा गया, मेरा क्लास फेलो था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, एक टाइम खाना खा के वो आदमी DSP बना था, बहुत निहायत गरीब घर का लड़का था वो, उसका कसूर यही था कि गुंडा के लोगों का नाम चार्जशीट से नहीं हटा रहा था। इलाहाबाद आनंद हॉस्पिटल में मिला, वो आखिरी मुलाकात थी, उसने कहा था इकबाल साहब मेरा नाम हमेशा अमर रहेगा, मैं ऐसा कोई काम करके जाऊंगा। वाकई में अल्लाह ने उसका नाम अमर कर दिया, राजा से टकरा के शहीद हुआ, अपने हक में रहा, नहीं उसने हटाया राजा के लोगों का नाम बालू खनन से, आखिरकार राजा के सारे घर क्या। और 6 महीने बाद यही अखिलेश यादव उसको ले लेते हैं। क्या हमारा 45 विधायक जो चुन के गया था, एक भी अखिलेश से क्वेश्चन नहीं किया कि राजा को वापस क्यों ले? इनको डर था कि मेरा टिकट कट जाएगा, हमको निकाल ना दिया जाए, मेरी सदस्यता ना चली जाए। आपने अपने वोट से आजम खां को भेजते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भेजते हो, लेकिन ये जाके मायावती और मुलायम सिंह के फूटे में बन जाते हैं, आपकी बात नहीं करते। जितना एक कहावत आपने सुना होगा, एक बहेलिया पाला था कि जब वो हर बिरादरी का एक बहेलिया रखता था, जिस मोहल्ले में जाता था उस बहेलिए को छोड़ देता था, वो अपनी आवाज निकालता था, सारे बहेलिए इकट्ठा हो जाते थे, सारे बहेलियों को पकड़ के ले आता था, शाम को सब किचन में होते थे, और जो पहली आवाज दे के लाया था उसको काजू पिस्ता बादाम मिलता है। ये काजू पिस्ता बादाम इसलिए है कि नसीमुद्दीन की विदेश में होटल है, आजम खान की यूनिवर्सिटी है, ये आपके वोटों के सौदागर। अभी आजम खान का बयान आया, बगैर ओवैसी साहब के महागठबंधन बेमानी है, एक ताकत हो चुके हैं हिंदुस्तान की, एक आवाज हो चुके हैं, आज हमारे 18 स्टेट में यूनिट काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से निकले, तेलंगाना से निकले, आज हमको हराने के लिए आज हम वहां 22 सीट लड़ रहे हैं। बगैर हमारे कोई तेलंगाना में सरकार नहीं बनेगी, और इंशाल्लाह आपकी ओवैसी साहब लोकसभा में अकेले नहीं जाएंगे, 10 ओवैसी साहब चुन के जाएंगे। शरीयत के नाम पर मौलाना सरारुल हक चुप रहेंगे, ओवैसी साहब नहीं चुप रहेंगे। आपकी जब शरीयत पे बात आएगी, 3 तलाक पे बात आएगी, आपके कोई खिलाफ कानून बनता है, 4.5 साल कौन लड़ा भाइयों, ईमानदारी से बताना। ओवैसी साहब के अलावा सोशल मीडिया, पेपर, संसद, सड़क से लेकर नजीब के लिए ठंडी में सड़कों पे धरना देने वाले कौन थे? ओवैसी साहब थे। तो वोट हमारा, राज तुम्हारा, हरा झंडा पतंग निशान पर सिर्फ वोट पड़ेगा। जिस तरह हरिजन समाज अपने समाज को झंडे को निशान को पहचानता है, अब मुसलमान एक झंडे एक निशान के नीचे आ गया है। अब हरा झंडा पतंग, चाहे हारे या जीते, हम हरा झंडा पतंग को ही वोट, जिस दिन आप लोगों ने कसम खा लिया, 25-30 करोड़ मुसलमान जिस दिन ओवैसी साहब के झंडे के नीचे आ गया। और हम मेरी भाई आम कलम में अगर 1.5 लाख की रैली कर दी, एक एक आदमी से मैं अपील करता हूँ कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ओवैसी साहब पूरी कौम के लिए रो रहे हैं, संसद में रो रहे थे कि मेरा 22-23 सांसदों में किसी ने साथ नहीं दिया, सोशल मीडिया पर उन्होंने रो दिया।